मात्र एक ही वीडियो से अपने 1000 सब्सक्राइब कैसे कंप्लीट करें। तो गाइस यहां पे आप स्क्रीन पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं गाइस, इस वीडियो का आप एनालिसिस दिखा रहा हूं। तो गाइस यहां पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं गाइस, एक ही वीडियो से 1000 सब्सक्राइब कैसे कंप्लीट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube पे एक ही वीडियो डालकर अपने 1000 सब्सक्राइब है वो कंप्लीट कैसे करें। सारा कुछ लाइव प्रूफ बताऊंगा गाइस, कोई यहां पे फैक्ट ट्रिक नहीं होने वाले, कोई यहां पे मैंने आपको स्क्रीन पे लाइव प्रूफ बताया। पहले तो आप इस चैनल को ओपन किया हुआ कितना दिन हो चुका है, यहां पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं गाइस। इस चैनल को ओपन नवंबर 2022, इस चैनल पे आप टोटल व्यूज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि टोटल व्यूज। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल व्यू, और गाइस इस चैनल की आप मोस्ट पॉपुलर वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, लाखों में यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं। तो गाइस इस प्रकार मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एक ही वीडियो डाल के यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइब कैसे कंप्लीट करते हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट और चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां पे हम देखेंगे सारा कुछ लाइव। तो गाइज आ चुके हैं हम हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर, और गाइज यहाँ पे आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा। गाइज आपको मैं बताऊंगा वो 3 स्टेप में कंप्लीट करूंगा। जो थर्ड वाली स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने थर्ड वाली स्टेप को मिस कर दिया तो जो आप 2 स्टेप देखेंगे वो कोई काम की नहीं होगी। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ गाइज, इस वीडियो को मैं आपको एनालिसिस दिखा देता हूँ। गाइज इस वीडियो की आप लेंथ देखिए पहले, तो गाइज इस वीडियो की लेंथ है मात्र 5 सेकंड, और गाइज इसका आप एवरेज परसेंटेज देख सकते हैं गाइज, 250% है। तो गाइज इसका जो एवरेज परसेंट है वो हाई है। तो गाइज पहली स्टेप यहीं से शुरू होती है हमारी। तो गाइज यहाँ पे आपको अपनी जो वीडियो की लेंथ है, शॉर्ट वीडियो की लेंथ है, उसको आपको कम से कम रखने की सोचना है, कम से कम रखना है गाइज, जिससे कि आपका एवरेज परसेंटेज हाई हो और आपकी वीडियो ज़्यादा तक पहुँचाया जाए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। तो गाइज ये वीडियो 5 सेकंड की है, जिसके कारण ये एक ही फ़ोन में कम से कम 5-6 बार देखी गई है एक ही शॉर्ट से, जिसके कारण इसका जो एवरेज परसेंटेज है वो हाई गया है, और हाई जाने के कारण ये वीडियो है वो वायरल हुई है। और गाइज अभी भी इसमें 48 घंटे में 1600 से ज़्यादा यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, इसका जो है हाउ मैनी चूज टू व्यूज, यानी जो इसका व्यूज है वो 66% है, स्वीप अप है 33% है, यानी लोग इसको देख रहे हैं, स्वीप है वो कम कर रहे हैं, पूरा वीडियो देख के जा रहे हैं, तो इसका कारण इसके वीडियो ये वायरल हुई है। तो गाइज आपको पहले स्टेप में क्या करना है, अपनी जो वीडियो की लेंथ है उसको कम से कम रखना है। गाइज स्टेप नंबर सेकेंड, तो गाइज स्टेप नंबर सेकंड के लिए आपको अपने जो है एनालिसिस में आना पड़ेगा, और एनालिसिस आने के बाद यहाँ पे गाइज आपको ऑप्शन मिलेगा कौन ऑडियंस का। तो गाइज ऑडियंस का ऑप्शन लिखने के बाद गाइज यहाँ पे आप जैसे ही नीचे जाएंगे आपको सारा कुछ मिल जाएगा कि आपकी ऑडियंस किस प्रकार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका पूरा जो है डाटा। तो गाइज यहाँ पे हमें एक मिलेगा टाइम, गाइज इसी टाइम के अनुसार आपको अपनी जो वीडियो है वो डालनी है गाइज, और रेगुलर आपको यहाँ पे वीडियो डालनी पड़ेगी, तभी गाइज आपकी है वो वीडियो वायरल होगी। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लर है कम, थोड़ा जो गहरा है वहाँ पे ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार आपको टाइम के अनुसार अपनी वीडियो को रोज़ाना डालना होगा, चाहे आप सुबह डालें, दोपहर डालें या फिर शाम को डालें, कम से कम आपको 2 शॉर्ट है वो फिक्स टाइम आपको डालनी है रोज़ाना गाइज, तभी आपकी जो कंसिस्टेंसी बनेगी और वीडियो वायरल होगी, तभी लगेगा यूट्यूब एल्गोरिथम को कि भाई ये रोज़ाना वीडियो अपलोड कर रहा है तो इसकी वीडियो को पहुँचाना ही पड़ेगा। तो गाइज इस प्रकार आपकी वीडियो है वो जाएगी। थर्ड स्टेप नंबर थर्ड गाइज, ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इसको देखना है आपको, और आपको अपने चैनल पे सेम टू सेम अप्लाई करना है मात्र, तो गाइज तभी आपकी है वीडियो वायरल में जाएगी। तो गाइज स्टेप नंबर थर्ड है वो है, तो गाइज स्टेप नंबर थर्ड है, तो गाइज यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रूफ दिखा देता हूँ गाइज। यहाँ पे जैसे मैं हटाता हूँ तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मेरी काफ़ी सारी वीडियो को यानी ड्यूरेशन में लगी हुई, यानी ये इसी टाइम मैंने शेड्यूल में लगा रखी है, काफ़ी सारी वीडियो यहाँ पे देख लीजिएगा आपको दिख रही होगी, ये शेड्यूल में लगी हुई है गाइज। अब जैसे ही मैंने जिस टाइम लगाया है वो फिक्स टाइम वहाँ पे अपलोड अपने आप हो जाएगी गाइज। मैं क्या है शेड्यूल में लगा देता हूँ अपनी वीडियो को, और जिस टाइम मेरी ऑडियंस ज़्यादा रहती है उसी वक्त मैं अपने वीडियो को छोड़ देता हूँ क्या अपने आप छूट जाती है, क्योंकि मैं शेड्यूल में लगाता हूँ गाइज, 1 बजे लगा रखी है, तो ये 25 तारीख को जैसे ही 1 बजेंगे ये अपने आप अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज इस प्रकार आपको अपनी वीडियो को शेड्यूल में लगाना है, जिस टाइम आपकी ऑडियंस ज़्यादा रहे टाइम के अनुसार लगाना है, वहाँ पे आपको टाइम देखना है, और जिस प्रकार आपकी ऑडियंस जहाँ पे ज़्यादा है जिस टाइम उसी टाइम आपको शेड्यूल लगाना है, और अपने आप वो अपलोड हो जाएगी, और फिर गाइज देखना आपकी वीडियो पे व्यूज़
आएंगे ही आएंगे। तो गाइस जैसे मैंने आपको समझाया, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और आपको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, और इंस्टा पे आप मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।